आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ के जीने का सहारा हो गया। हाय गाइस, आई एम मोहसिन खान। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम बीत गया कि आप लोग मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे। वो तो आपको मालूम ही है कि मेरे को भी कम से कम 4 महीना हो गया मैंने शो चालू नहीं किया, और शो हो भी नहीं पाएगा। अभी हो सके इस पूरा साल हमारा ऐसे ही निकल जाए और हम भी थोड़ा सा बोर हो गए घर पे, तो थोड़ा टहलने के लिए आ जाते हैं। और आज मैं आपको अपने घर के पीछे का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ। जस्ट ये सामने बिल्डिंग जो चमक रही है, इसी बिल्डिंग में जस्ट हम रहते हैं, और ये हमारे यहाँ का नज़ारा है। और गाइस, मैं आप लोगों से सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। तुम्हारा भी निकालो। बस बस अच्छे। और गाइस, मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा, इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूं। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हमारे यहाँ का नज़ारा है, गोरेगांव ईस्ट शिव साई कल फिल्म सिटी, मुंबई की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। ये आपको जो सब समझ रहा है, ये दिख रहा है, सब ये सेट लगे हुए हैं, कोई सीरियल का, कोई शो का। और ये भी हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं। जी, ये हमारे फ्रेंड हैं। ये बात सच है कि ये आर्ट डायरेक्टर है हमारे अब्दुल भाई जी। ये सच है, बिल्कुल सच है। मैं इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रिय दोस्त हैं, ख़ास दोस्त हैं भाई, ख़ास दोस्तों में से एक हैं। और ये हमारे अजीज भाई, बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। और ये हमारे छोटे मियाँ, ये तो बहुत चुलबुले हैं, इतने चुलबुले हैं कि इन्होंने दो दो शादी कर ली है। तो जैसे तैसे कट जाएगी, अरे ले लो, आपका क्या होगा। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हो मेरे फैन लोगों को? जी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बोलूँगा। मेरे पास भी मुंह है, बोलूँगा ज़रूर। जब पास में मुंह रखे हैं तो बोलूँगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं मोहसिन भाई के एक करीब दोस्त है, गरीब नहीं। बात यह है कि वाकई में इस लॉकडाउन में हम लोग जो है बहुत बेकार और बदचलन हो चुके हैं, और पता नहीं ये बदचलन कब ख़त्म होगी। हम लोग जो है चाह रहे हैं कि हम कलाकार जो है ऐसा कुछ लॉकडाउन से बाहर आकर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करूं? प्लीज़ आप लोग भी कुछ राय दीजिए, क्योंकि ओबराई मॉल भी बंद है। और हमारा राय ये है कि हम जो है ऐसे बैठ के कब तक रहेंगे। और मोहसिन भाई ने हम लोग को गोद ले लिया है। यार क्या डायलॉग है यार। देखिए गाइस, नज़ारा देखिए। आप लोग कभी मुंबई आओ हमारे यहाँ पे घूमने के लिए, हम आपको अच्छी अच्छी जगह लेके जाएंगे। जितना हो सके हमसे हम करेंगे, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने कभी बोला तो है नहीं है सर, कभी मैं लाइव भी ज़्यादा नहीं आता, एक दो बार आया हूँ। और तुमने देखा भी होगा कि मैं कभी ऐसे बोलता नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या पता आप लोगों की दुआ से थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ मैं। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये नज़ारा है, ये शाम के टाइम का नज़ारा है। इंशाअल्लाह मोहसिन भाई के लिए दुआ कीजिए। और ये सब हम लोग यहाँ पे शाम के टाइम आते हैं थोड़ा टहलने के लिए। नज़ारा देखिए, खूबसूरत नज़ारा है, मुंबई गोरेगांव ईस्ट। और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं सब शाम के टाइम वॉकिंग करने, घूमने। ये सब फिल्म सिटी की गाड़ी खड़ी है, अभी काम बंद है फिल्म सिटी का भी, सब शूटिंग वगैरह बाकी है।
और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे इंडिया के अंदर सुधार आ जाए और सब भाइयों के काम चालू हो जाए और जिनकी घर में परेशानी है उनकी परेशानी हट जाए और यहाँ तक कि हम लोग जितने भी कलाकार हैं एसके एंटरटेनमेंट ग्रुप हम लोगों के घर परिवार भी इस पे चलते हैं तो जब सब काम चालू होगा तो हमारा भी काम चालू होगा। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले दो तीन चीज़ चालू होनी चाहिए। काम तो हमेशा ज़िंदगी भर तक करना है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो मंदिर और मस्जिद चालू होनी चाहिए और तीसरी चीज़ है बच्चों के स्कूल। ये तीन चीज़ें सबसे पहले चालू होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें चालू होंगी ना क्योंकि आजकल क्या हो रहा है बच्चे ज़्यादा बैठने से बिगड़ रहे हैं, बच्चे लोगों पे गलत असर पड़ रहा है। इतना टाइम कभी बच्चे लोग बैठे नहीं पढ़ाई के लिए और अभी पढ़ाई नहीं हो रही ऑनलाइन पे, तो बस ऐसी पढ़ाई हो रही है टेम्परेली, वो कोई ख़ास पढ़ाई नहीं है। जो रियल पढ़ाई होती है वो कुछ अलग ही होती है। अच्छा तो हम लोग यही अपनी सरकार से भी निवेदन करते हैं कि कुछ तो रास्ता ढूंढिए, कुछ तो कीजिए। ये आदमी बेचारा रात दिन बहुत परेशान है। देखिए हालत हमारी हालत बेकार हो गई है और सरकार हमारी जो है हम लोगों को क्या दरकार समझ रही है, ये लोगों की क्या दरकार है, तो फिर ये कैसा सरकार है? हम लोग ऐसे रहेंगे बेकार तो कैसे होगी चमत्कार? प्लीज़ आप जो है हमारे लिए और आप लोग अपने लिए भी सोचें और हम लोग इस तरह से कब तक गुजारा करेंगे और अपने आप को संवारा करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है दुआएं करें और मोहसिन भाई की बातों पे ज़रा गौर करें और भाई ज़रा फॉलो करें, एकता रखें कोई भी जात धर्म से डिस्टेंस रखें। देश चलाना है, देश बचाना है, देश को तरक्की की ओर लेके जाना है, देश का भला करना है और हमको दुबई और लंदन से आगे जाना है तो हमारे अंदर एकता में हिंदुस्तान की मजबूती है। ये बात आपको समझना है, हम सबको तभी हमारा देश आगे जाएगा और हम यूँ ही बस खाओ बुझाओ बत्ती बुझाए होकर चले जाएंगे। हमारे अपना सब की बात कट करके एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे एक्टर जो सुपरस्टार हैं हमारे सलमान भाई, उन्होंने एक गाना तैयार किया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते मियां भाई। ये बात सही है, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे जब तक है जान। मेरे भाइयों मैं लाइव भी आऊँगा, एक दो दिन के अंदर ही आऊँगा लाइव। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें जब तक ये जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र।